हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्रेजी मैकेनिक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये वाला वीडियो मैं दूसरी बार शेयर कर रहा हूँ। पहले वाला जो एक फ़ोन में मैं शूट कर रहा था, उसमें एक छोटा सा इशू आ गया, मोबाइल बीच में ही बंद हो गया। वीडियो सेव है लेकिन करप्ट हो गया, पता नहीं क्यों। अगर इसका किसी को सोल्यूशन पता होगा तो प्लीज़ बताना। तो मैं बात करने जा रहा था आईपैड के लेकर, आईपैड या फिर कोई भी एप्पल डिवाइस जो आप कंसिडर करते होंगे, या तो फिर आपके पास में होगा जो भी एप्पल का कोई भी मॉडल फ़ोन वगैरह एक्सेट्रा। तो मैं कह रहा था कि कोई भी एप्पल के डिवाइस को लेकर बात कर रहा था। एप्पल के डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलते हैं, बट अगर आपके सिटी में एप्पल का सर्विस सेंटर नहीं है तो आपके लिए एक वर्स्ट डिसीजन हो सकता है एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेना। क्योंकि मेरे साथ में सेम इशू हुआ है। मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है एप्पल का। इशू आ चुका है, बस 2 महीना ही हुआ था मैंने ये लेकर आईपैड मेरा, तो जस्ट 2 महीने के अंदर में इसमें डेड पिक्सल इशू देखने के लिए मिला। मैं फोटो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, डेड पिक्सल इशू देखने के लिए मिला। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो बीच बीच में जो है थोड़ा मैं सोच के भी बोलूंगा, क्योंकि जैसा हुआ एज इट इज मेरे को याद करके बोलना है, मैंने कहीं पे भी लिख के नहीं रखा है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में अगर मैं भूल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, और जो नॉइस आ रहा है आसपास से उसके लिए भी सॉरी। अभी मैं इसको फटाफट से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने स्पॉट किया, वो जो डॉट आ रहा था उसको जैसे स्पॉट किया मैंने, वैसे तुरंत मैंने जो है एप्पल केयर में कांटेक्ट किया। फ्लिपकार्ट से बाय किया था, फ्लिपकार्ट से भी किया। फ्लिपकार्ट ने सीधा सीधा बोल दिया, सर ये प्रोडक्ट नो रिटर्न पॉलिसी में आता है, प्लस जो है आपका 2 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोडक्ट बाय करके, तो हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, आपको एप्पल के सर्विस सेंटर पर जाके ही मदद लेना पड़ेगा। बस वहाँ से जैसे मैंने एप्पल का वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फ्लिपकार्ट वालों ने ही मेरे को मेल पे जो है नंबर भेजा एप्पल वालों का, जब से मैंने उनसे बात किया तब से ही जो है इशू मेरे को कंटिन्यू फेस करना पड़ रहा है और अभी तक के प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, जो मेरा सबसे पहला कॉल था, मैंने जैसे उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को पूछा कि सर आपके पास कौन सा डिवाइस है, आपका जो है सीरियल नंबर क्या है, सारी चीज़ें आपने अपडेट कर रखा है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए उन्होंने। उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा एप्पल सपोर्ट का, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सर आपका जो इशू है उसका एक फ़ोटो शेयर कीजिए हमको। मैंने फ़ोटो भी शेयर किया। सारा कुछ बताने के बाद उन्होंने एक हमारे जो है एप्पल के डिवाइस के अंदर ही सिक्योरिटी एंड परमिशंस में ऐसा कुछ तो होता है, जिसमें कि वो लोग एक फोल्डर होता है जहाँ पे कि एप्पल खुद ब खुद अपने प्रोडक्ट का एक मतलब इनबिल्ट ये तैयार करता है, फाइल तैयार करता है कि कोई इशू तो नहीं है, रिपोर्ट वगैरह, जैसे बग रिपोर्ट बोलते हैं ना, बग रिपोर्ट बनाता है और वो भेज देता है, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। उसने मेरे से बग रिपोर्ट भी सेंड करवा लिया। देन मैंने सारा कन्वर्सेशन डन हो गया, उसने केस हिस्ट्री बना के दिया, मेरे को मेल आया उस केस हिस्ट्री का, वहाँ पे सारे डिटेल मेंशन थे। देन उसने बोला कि सर सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं आपके डिवाइस में एक इशू शो हो रहा है, वो है आपका जो है एक अपडेट बैलेंस है, आप सबसे पहले अपने डिवाइस को जो है लेटेस्ट अपडेट पे रन कर लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक के लिए जो है मैं आपका कॉल डिसकनेक्ट कर रहा हूँ और एक कॉल बैक अरेंज कर दे रहा हूँ, 8 बजे आपको रात को कॉल आ जाएगा, तब तक आप अपना डिवाइस जो है फुल्ली लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड करके रखिए। देन मैंने उसके बाद में जैसे कॉल कट हुआ, 5 बज रहे थे, 5-6 बजे तक मैंने फुल्ली अपडेट कर लिया, अपना डिवाइस चार्ज पर रख दिया। देन 8 बजे प्रॉपर उनका फ़ोन आया, इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आया था, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ नंबर, तो इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आया। देन मैंने फ़ोन पिक किया, उन्होंने सेम सारी चीज़ें बताया फिर से मेरे को कि सर आपके डिवाइस में ये इशू था और ये आप फेस कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट चेक की है, आपकी रिपोर्ट में कोई इशू नहीं है, आपका डिवाइस प्रॉपर है, आपको जो है फाइनली डिवाइस को एक बार एप्पल के सर्विस सेंटर लेके जाके, ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेके जाके आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। फिजिकल डैमेज अगर आपके डिवाइस में नहीं रहता है तो आगे का चीज़ वो आपको बताएंगे, मैं आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दे रहा हूँ सर्विस सेंटर का। देन मैंने उनको बोला कि सर सर्विस सेंटर तो है ही नहीं हमारे सिटी में, कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपका पिन कोड बताइए, मैं आपको पिन कोड के हिसाब से सजेस्ट करता हूँ कि आपको किस सर्विस सेंटर पर जाना है। देन मैंने बोला ठीक है कीजिए, मैंने पिन कोड बताया मेरा 442401 चंद्रपुर। देन उन्होंने बोला कि सर आपका नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर दिखा रहा है वो नागपुर में दिखा रहा है। मैंने बोला नागपुर तो हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर है, पूरे 200 किलोमीटर यहाँ से जाना वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आप कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर। देन मैं सर्विस सेंटर के लिए उनसे मैंने डिटेल वगैरह ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। अब उन्होंने तो फ़ोन कट कर दिया, बोल के कि सर आपको आना जाना करना पड़ेगा ट्रैवल 200 किलोमीटर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने सारा कन्वर्सेशन होने के बाद उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अंडर वारंटी है, मैं जा नहीं सकता, मेरा ड्यूटी रहता है, तो आप एक मेरे को जो है टेक विजिट अरेंज करवा दीजिए। टेक विजिट मतलब आपको पता ही होगा जब प्रोडक्ट अंडर वारंटी रहता है तो एक टेक्नीशियन आता है, चेक करता है और इशू सॉल्व करके चले जाता है, या तो जो भी है फर्दर क्वेरी के लिए वो आपको बताते हैं। देन उसके बाद में जब
मैंने बोला कि सर आप एक टेक विजिट अरेंज कराते हैं, उन्होंने बोला कि एप्पल में ऐसा कोई भी जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टेक विजिट की, आपको इटसेल्फ प्रोडक्ट को लेके जाके ही चेक करवाना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि इतना महंगा जब हम प्रोडक्ट लेते हैं एप्पल का और सर्विस सेंटर नहीं होता है सिटी में, तो वो बोलते हैं कि खुद आओ जाके और लेके आओ अपना प्रोडक्ट। और मेरे पास में सेम एक बहुत सारी मल्टीपल गैजेट्स है, इशू मैंने काय में भी फेस नहीं किया। बजाज का एक कूलर है जिसमें मैंने 1 ईयर मतलब एंड एंड में एक इशू फेस किया था, उसमें वाटर लीकेज था। जैसे मैंने बजाज को कॉल किया, विद इन 1 to 2 आवर्स में टेक्नीशियन होम विजिट पे आ गया, जस्ट बिकॉज कूलर अंडर वारंटी है। अगर अंडर वारंटी नहीं भी होता है तो भी वो लोग टेक विजिट भेजेंगे, बस जो टेक्नीशियन के चार्जेस है वो देना पड़ेगा। ये सेम बात मैंने एप्पल को भी बोला था कि आप अपना टेक विजिट अरेंज कीजिए, जो भी आपके टेक विजिट का चार्ज होगा मैं उसको पे कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं सर नहीं दे सकते, आपको इटसेल्फ खुद जाना पड़ेगा। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इतना सस्ता मैंने 5-6 हज़ार रुपये का वो कूलर लिया था, उसके लिए बंदे मतलब टेक विजिट अरेंज हो रहा है, बंदा घर पे आगे चेक कर रहा है क्योंकि अंडर वारंटी, और ये इतना महंगा एप्पल प्रोडक्ट लेने के बाद में भी वो देने को तैयार नहीं है टेक विजिट, ये क्या बात हुई। ये तो मेरा सबसे पहला पॉइंट था। अब जो है मैं सैटरडे को जाने वाला हूँ वहाँ पे, आज मैं ये वीडियो वेनसडे को जो है शूट कर रहा हूँ, तो सैटरडे को मेरा जाने का प्लान है। अब यहाँ से मेरे को जाने के लिए आने जाने में करीब 600-700 का खर्चा गिरेगा, ठीक है, 600-700 का खर्चा आने जाने में गिरेगा, 800 रुपये तक के करीब, 400-450 रुपये की टिकट है बस की, प्लस मेरा 1 डे का लीव होगा ऑफिस का, उसमें भी मेरा जो है वहाँ पे एक लीव लगेगा, उसका भी मेरा पेमेंट कटेगा। अब वहाँ जाने के बाद जो है उस बंदे को मैंने बोला, मतलब जो सर्विस सेंटर का नंबर मेरे को प्रोवाइड किया गया था उससे मैंने बात किया, तो उसने बोला कि सर सेम डे तो इशू सॉल्व होगा ही नहीं आपका, हम हार्ड रीसेट करेंगे, अगर इशू सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको करीब 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, और एक सिंगल स्क्रैच भी रहेगा आपके डिवाइस में, पूरे डिवाइस में एक सिंगल स्क्रैच भी रहेगा तो भी जो है वारंटी लैप्स हो जाएगी, आपको वारंटी में सामान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वारंटी में, एक सिंगल स्क्रैच भी होगा तो भी। तो अब मैं इतने दूर जाऊंगा और वहाँ पे एक सिंगल स्क्रैच भी रहेगा तो भी वो मेरे को करके नहीं देगा। और उसने एक और कंडीशन बताई कि सर आपके पास में आईपैड है, अगर आपके पास में आईफोन होता या मैकबुक होता तो ही हम रिपेयर करते, अगर आईपैड है तो पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट होगा, कोई भी चीज़ उसमें हम रिपेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा भी उसने बोला। तो अब जो है सैटरडे को जब मैं जाऊंगा तब मैं वहाँ पे एक और मैंने ब्लॉग शूट करूंगा यहाँ से जाने से पूरा चेक करा के आने तक, तो तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते, अभी तक का यही मेरा जो है सीन रहा एप्पल के साथ में, यही जो है कन्वर्सेशन रहा। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर सर्विस सेंटर है तो ही बाय कीजिएगा, या तो फिर कोई दूसरे जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।